चलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आप सभी का। आई होप कि आप घर में अच्छे हो गए, सेफ हो गए। तो दोस्तों, जैसे कि सुबह की बज रहे हैं 9, और दोस्तों मैं आया था हमारा मासी के गांव में, और आज मैं जाने वाला हूँ गंजाम डिस्ट्रिक्ट के और एक फेमस प्लेस में, माँ तारा तारिणी टेम्पल। बात बता दूँ कि मेरा मासी के गाँव से जो टेम्पल का पूरा पास में ही दोस्तों नज़दीक में है, तो हमको टेम्पल में जाने के लिए नदी के उस पार जाना पड़ेगा। तो अभी मैं रेत में आ गया हूँ, तो आप देख ही सकते हो कि मेरा बैग में देख ही सकते हो गए, तो उस पार जाना पड़ेगा। मैं आपको जो तारा तारिणी का मंदिर का जो टेम्पल हम जाने वाले हैं, आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ यहाँ से कैसा दिखता है। देख सकते हो गए वहाँ पर, आप देखिए जैसे उस चोटी में हम जाने वाले हैं जो पहाड़ का। तो चले गए, चलते हैं। हमको नदी जो यहाँ पर देख सकते हो, नदी है, नदी को पार करके जाना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हो गए मैं अभी नदी के बीचों बीच आ चुका हूँ। यहाँ पर देख ही सकते हो गए ओम मेरा चप्पल वगैरह बैग। तो गाइस, यहाँ पर क्या हुआ कि हमने कपड़ा वगैरह सब बैग में रख चुके थे ओम और मैं, क्योंकि जीन्स वगैरह मैं नहीं पहना था दोस्तों, हाफ कपड़ा पहना था इसलिए, क्योंकि पानी में जाते टाइम नदी में गीला हो जाता, इसलिए बैग वगैरह सब कुछ पकड़ा हुआ है। और मैं ये देखिए आशा और मेरा दीदी, तो उस पर जाने के बाद आपको सबके साथ इंट्रोड्यूस करा दूंगा। मेरा मेरे मौसी भी आए हुए हैं। हम नदी के इस पार आ चुके हैं, आप देख ही सकते हो कि मैं अभी तभी तो हाफ पैंट पहना था, अभी पूरा जींस पका के पूरा रेडी चकाचक हो चुका हूँ मैं। और मेरा बहन यहाँ पर देख ही सकते हो गए, तो यहाँ पर थोड़ा रुके हुए, थोड़ा हम चल के आए तो थोड़ा प्यास लगी थी, तो इस घर के जो आंटी है हमको पानी दे रहे हैं थोड़ा प्यास मिटाने के लिए। तो चले गए पानी, ये रहा मेरा छोटा, पानी पी रहा है अभी फिलहाल। हाँ, तो पानी पीने के बाद आगे की चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 किलोमीटर चलने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं माँ तारा तारिणी टेम्पल के पास में। मैं पहुंच चुका हूं मंदिर के पास में, आप देख ही सकते हो गए मंदिर। आपको मंदिर में जाने के लिए 3 रास्ते मिलेगा दोस्तों, एक तो मैं हूं सीढ़ी के पास में, और एक बात बता दूं कि सीढ़ी में आपको जाते हुए बंदर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप नारियल केला नहीं तो बैग वगैरह आपसे छीन कर ले सकते हैं। तो गाइस, दूसरा रास्ता में जाने के लिए केबल तार यानी कि लिफ्ट भी आप बोल सकते हो, जैसे कि बुजुर्ग लोग ऊपर नहीं आ सकते सीढ़ियों में, तो लिफ्ट के माध्यम से ऊपर आ सकते हो। तो गाइस, चार्ज की बात करें तो एक आदमी के पीछे 50 रुपीस लेंगे दोस्तों, और GST 9 रुपीस, तो मिलकर हो गया 59 रुपीस आपसे ले जाएंगे। तो आपको थोड़ा चार्ट दिखा देते हैं। तो गाइस, तीसरा रास्ता आप रोड से जा सकते हो, 4-व्हीलर या 2-व्हीलर से। अगर आप अपना खुद का गाड़ी ले जाते हो तो आपको अलग से चार्ज लगेगा, नहीं तो लोकल बस से जा सकते हो, आप देख ही सकते हो। जाने वाला हूँ, आप देख ही सकते हो मैं किसका पास हूँ अभी। तो गाइस, मैं जाने वाला हूँ सीढ़ी से, तो चले गाइस चलते हैं। तो सीढ़ी में आपको जाने के लिए 999 स्टेप्स चलने पड़ेंगे ऊपर जाने के लिए मंदिर तक। तो चले गाइस चलते हैं। सकते होगे थोड़ा अभी जो सीढ़ी, आप देख ही सकते हो सीढ़ी थोड़ा चढ़ने के बाद कितना बड़ा बड़ा पेड़, पीपल का पेड़ देखने के लिए मिलेगा। और गाइस, और एक बात बता दूं कि हमको अभी से ही डर लग रहा है, क्योंकि बंदर यहाँ पर पूरा तबाही मचा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बंदर, देखिए कैसे यहाँ पर है वो, देखिए ये देखिए ये देखिए देखो, ओ भाई ऊपर चढ़ गया, ये देखिए बंदर।
क्या करता हूँ, मोबाइल को अंदर छुपा कर रख देता हूँ, क्योंकि मोबाइल भी खींच कर ले सकते हैं बंदर। तो और एक बात बता दूँ कि आप सीढ़ियों से जाते हो तो थोड़ा सावधानी परखना पड़ेगा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं वीडियो थोड़ा बंद रखता हूँ, क्योंकि बंदर वगैरह थोड़ा तबाही मचा रहे, मोबाइल भी खींच कर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलेगा, चलते हैं। बीच बीच में इस आंटियों के साथ काकड़ी मिल जाएगा खाने के लिए बीच बीच में। ये देखिए, ये लकड़ी भी पकड़े हुए हैं क्योंकि बंदर इनको परेशान कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो वहाँ पर बंदर है और यहाँ पर आंटी यहाँ पर बेच रहे हैं काकड़ी। तो यहाँ थक चुका हूँ मैं, और भी सीढ़ी जाना है। ओ भाई, तो चले गए, चलते हैं, थोड़ा रुक रुक के जाना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आधा रास्ता भी हूँ और भी नहीं आया हूँ दोस्तों। मिनिमम मैं 500 सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँगा। तो आपको थोड़ा यहाँ पर बंदर दिखाता हूँ छुपके से, क्योंकि मोबाइल भी खींच सकते हो, ठीक है। आपको थोड़ा छुपके से दिखाता हूँ। गाइस, आप देख ही सकते हो यहाँ पर बंदर कितने सारे, 1-2-3 और भी थे दोस्तों, चले गए कहाँ पर, पेड़ के ऊपर। ये देखिए, भाग्य पहुंच चुका हूँ तारातारी टेम्पल के चोटी पर। आप देख ही सकते हो 999 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद पूरा पहुंच चुका हूँ। आप देख ही सकते हो पूरा सीन थोड़ा ऊपर का देख लीजिए, और सिनेमेटिक भी डाल दूंगा दोस्तों, पूरा पूरा धमाकेदार सिनेमेटिक डालूंगा। तो गाइस, आपको ऊपर चप्पल वगैरह रखने के लिए भी सुविधा है, स्टैंड है दोस्तों, आप बाहर नहीं रख कर स्टैंड में रख सकते हो। और एक चप्पल को 3 रुपीस लेंगे दोस्तों। चप्पल को गुट्टे जानू को तीनूंगा। ओहो, तो बंदर काटना मत, जो भी करना, ठीक है, ये कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों। आप इनके साथ छेड़खानी मत करना बिल्कुल भी, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो गाइस, आपको मंदिर के अंदर जाने के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। तो टिकट काउंटर में आपको टिकट काट लेना है, और एक टिकट 2 रुपया लेगा दोस्तों आपसे। आप देख ही सकते हो यहाँ पर। मैं पहुंच चुका हूं तारातारिणी टेम्पल, जो मंदिर के पास में हूं। आप देख ही सकते होगे, इसके अंदर अभी जाऊंगा, भगवान का दर्शन करके आऊंगा, आने के बाद आपके साथ मिलते हैं, ठीक है। आप देख ही सकते होगे मेरा पीछे मंदिर, आगे के हिसाब से बहुत ही गजब का मंदिर हो गया दोस्तों। पूरा डिज़ाइन आपको चारों तरफ दिखा देता हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं बैक कैमरा में दिखाता हूँ। अभी मैं दीदी को देता हूँ थोड़ा ब्लॉगिंग करने के लिए, इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ी बताएगी थोड़ा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, और आपको मेरा दीदी को भी दे देता हूँ ब्लॉगिंग करने के लिए।
दोस्तों तीरू ने आपको बताया होगा कि आज हम माँ तारातानी मंदिर घूमने आए हैं। वैसे तो फिलहाल दर्शन हो ही चुका है, आपको पता ही होगा जो हिल के ऊपर यानी कि जो पर्वत के ऊपर ही मंदिर आया हुआ है जिसे रत्नागिरी हिल कहा जाता है। आपको ये पता ही होगा कि ये कोई महाराजा नहीं बल्कि एक ब्राह्मण ने बनाया जिनका नाम वास्तु प्रहलाद है। वास्तु प्रहलाद को सपने में माँ तारातानी आए थे जिसके द्वारा इस टेम्पल को यहाँ पर उन्हें स्थापित किया गया है। मनाया जाता है चैत्र मंगलवार, चैत्र मंगलवार यानी कि अप्रैल और मई के बीच में, मार्च अप्रैल में जो आता है वो महीना। यहाँ पर मंगलवार के दिन लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और दर्शन करके अपने घर जाते हैं। बाहर बाहर देशों में से भी भक्त दर्शन करने के आते हैं। और एक भी है विश्व महासंक्रांति, विश्व महासंक्रांति के दिन भी इसी ही पब्लिक यहाँ पर आपको इकट्ठा देखने को मिलेगा। तो गाइस, इंडिया में 4 मेजर शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है। कि आपको मेरा दीदी जो ब्लॉगिंग आपको मंदिर के बारे में बताया होगा तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चले गाइस, आपको थोड़ा मंदिर के बाहर का भी सीन आपको थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ। अभी भी तो फिलहाल काम चल रहा है, आगे जाकर वो भी डेवलप होगा इस मंदिर। आपको एक बार भीड़ दिखा देता हूँ, ये देख ही सकते हो कि मेरा पीछे भीड़ देख लो, एक बार देखा कैसा भीड़ है। जो लॉकडाउन में मंदिर बंद था दोस्तों, इसलिए अभी मंदिर अभी खुला हुआ है इसलिए इतना भीड़ है दोस्तों। अभी तो इतना भीड़ है लेकिन चैत्र मंगलवार में लाखों संख्या में भीड़ होता है यहाँ पर। ये देखिए मंदिर का थोड़ा सीन। अभी दोस्तों टाइम हो चुका है अभी जाने का टाइम हो चुका है। मैं आया था घर से 9 बजे और यहाँ पर आते आते 11 बज चुका था और यहाँ पर मंदिर के दर्शन सब खत्म होने के बाद अभी बज रहा है 1। तो दोस्तों अभी जाने का टाइम हो चुका है, तो चलिए पूछते हैं कैसा लगा मंदिर। तो मेरा तो फर्स्ट टाइम था दोस्तों मंदिर आने में, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को मंदिर। और भी काम चल रहा है दोस्तों, आगे जाकर और भी अच्छा होगा मंदिर। तो अभी थोड़ा पूछते मेरा दीदी को और मौसी को कैसा लगा क्या नहीं मंदिर। ठीक है, दीदी को पूछते कैसा लगा। कम पूरा थक चुके हैं दोस्तों हम। फिलहाल तो बहुत ही अच्छा लगा लेकिन एक दिक्कत है, जब सीढ़ी पर से आए तब बहुत ही थक गए लेकिन नीचे जाते टाइम बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता ही नहीं चला कि हम ऊपर कैसे आ गए। और अब जाते समय तो इतना मजा आ रहा है, पता नहीं। मैं तो गुजरात से आई हूँ लेकिन मुझे यहाँ का मंदिर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत मजा आया। कभी नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो फिर से घूमने आऊंगी। तो जनाब यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा मौसी को ठीक से हिंदी नहीं आती है, तो फिर भी मैं पूछ लिया कि मंदिर आपको कैसा लगा। तो देखिए उसके बाद क्या बोला। तो पूछते हैं कैसा लगा मंदिर। अच्छा लग रहा है, मंदिर भी अच्छा लग रहा है, घूमने को और एक बार आए। तो गाइस मंदिर के दर्शन करते हुए हमको लगी थी भूख, तो हम आ गए तरबूज खाने के लिए। गाइस इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप तारातानी मंदिर में आओ, घूम कर जाओ। तो वीडियो अच्छी लगी तो आशा वीडियो को क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और जो मंदिर के घंटी जैसे बजाते हो, सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी टंग 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 करके बजा देना, मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो चलिए गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। टाटा, बाय बाय, सी यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।